हाय साथियों, मैं मंगल प्रसाद निषाद, आपका हमारे YouTube चैनल MPN ऑनलाइन स्टडी पर स्वागत है। तो आज हम साथियों बात करेंगे एसी सिस्टम के बारे में। जी हाँ, एसी सिस्टम अल्टरनेट करंट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको बता दें साथियों, ITI की जो क्लासेज थी थ्योरी की, चाहे वो फिटर थ्योरी हो या इलेक्ट्रीशियन थ्योरी हो, उनकी जो क्लासेज है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो में जाके पूरी वीडियो को आप देख सकते हैं। सिर्फ वही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार लगभग एग्जाम में आता है। साथियों, जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम आप देखेंगे हर बार वो एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यकीन मारिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन है, एक एसी परिपथ में धारा की जो दिशा होती है वह किस प्रकार होती है। यह देखिए आप NCVT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है आपका धनात्मक से ऋणात्मक होती है, बी है हमेशा एक दिशा में होती है, सी है तत्काल से तत्काल भिन्न होती है, और डी है निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो एक एसी परिपथ में जो धारा की दिशा होती है वो कैसी होती है, आपका राइट आंसर है सी तत्काल से तत्काल भिन्न होती है। जी हाँ, जो धारा की दिशा होती है वो तत्काल तत्काल क्या होती है, भिन्न होती है, अर्थात बदलती रहती है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो, किसी भी टॉपिक पर दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यह जो सिलेबस है साथियों, हम आपको बता दें, यह इलेक्ट्रीशियन प्रथम ईयर वाले और इलेक्ट्रॉनिक प्रथम ईयर वाले और फिटर सेकेंड ईयर वालों का ये टॉपिक है। तो अगला क्वेश्चन है, इंडक्टर में जो तत्कालिक पावर होती है के समानुपाती होती है। आपको ऑप्शन दिए चार, ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है कि जो इंडक्टर में तत्कालिक पावर होती है वह किसके समानुपाती होती है। NCVT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है यह। ऑप्शन ए है तात्क्षणिक धारा का उत्पाद और धारा के परिवर्तन के दर के, ऑप्शन बी है तात्क्षणिक धारा का स्क्वायर के समानुपाती होती है, ऑप्शन सी है धारा के परिवर्तन की दर के दर का स्क्वायर के समानुपाती होती है, और ऑप्शन डी है इंडक्टर का तापमान के समानुपाती होती है। तो जो राइट आंसर होगा साथियों वह कौन होगा, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो राइट आंसर जो है ए है, राइट आंसर आपका तात्क्षणिक धारा का उत्पाद और धारा के परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। तो आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर उसके बाद डॉट डॉट है में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। जी हाँ, जो कैपेसिटर होता है वह किसको अचानक परिवर्तन की दर की अनुमति नहीं देता है। ऑप्शन है आपका वोल्टेज, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, जो कैपेसिटर होता है वह किसको परिवर्तन की जो है अनुमति नहीं देता है। तो आपका जो आंसर होगा साथियों वह ए होगा वोल्टेज। जी हाँ, जो कैपेसिटर है वह वोल्टेज में अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं NCVT 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन लेके आए साथियों सभी लगभग हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपका NCVT 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन है अगला, RMS मान निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। जो RMS मान है वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है ताप प्रभाव पर, ऑप्शन बी है आवेश ट्रांसफार्मर पर, ऑप्शन सी है धारा पर, और ऑप्शन डी है वोल्टेज पर। तो RMS का जो मान होता है वह किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह ए होगा ताप प्रभाव पर। जी हाँ, RMS का जो मान है वह ताप प्रभाव पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। NCVT 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं साथियों पांचवें क्वेश्चन पे, मात्र 15 क्वेश्चन है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप एसी सिस्टम से आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पता होगा। तो अगला है, पावर कारक संशोधन जो करेक्शन के लिए कैपेसिटर की दर होती है वह क्या होती है। ऑप्शन ए है किलोवाट, ऑप्शन बी है किलोवाट किलो वोल्ट एम्पियर,
ऑप्शन सी है किलोवोल्ट और ऑप्शन डी है किलोवोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें से कौन सा होगा साथियों, जो पावर कारक संशोधन के लिए कैपेसिटर के कारक की दर होती है वह कितनी होती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, जी हाँ डी जो आपका है राइट आंसर है किलोवोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, यह देखिए आप एनसीबीटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है यह। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, छठे क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ उपकरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोरेज करता है। जी हाँ, कौन सा ऐसा परिपथ उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए है आपका इंडक्टर, ऑप्शन बी है कंडेंसर, ऑप्शन सी है अस्थिर रजिस्टर और ऑप्शन डी है कैपेसिटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, राइट आंसर आपका है ए इंडक्टर। जी हाँ, इंडक्टर जो है ऊर्जा को स्टोर करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, जो है ऊर्जा को इंडक्टर जो है स्टोर करता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रवेश्यता एडमिटेंस का मात्रक है। जी हाँ, जो प्रवेश्यता है एडमिटेंस का जो मात्रक है वह क्या है। ऑप्शन ए है सीएमएस, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह कितना होगा, जो राइट आंसर है वह क्या है साथियों आपका, प्रवेश्यता क्वेश्चन है आपका, प्रवेश्यता एडमिटेंस का मात्रक है। तो आपका इसमें से ऑप्शन देख लीजिए साथियों, राइट आंसर कौन सा होगा, ए जो है आपका राइट आंसर है सी ए मेंस। जी हाँ, सी ए मेंस जो है वह राइट आंसर है, जो कि प्रवेश्यता का मात्रक है और यह भी क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पीक फैक्टर इनमें से किसका अनुपात है। जी हाँ, जो पीक फैक्टर होता है वह किसका अनुपात होता है, एनसीबीटी 2016 का यह क्वेश्चन है। पीक फैक्टर जो है वह किसका अनुपात होता है। ऑप्शन है आर एम एस मान के साथ पीक मान का, ऑप्शन बी है औसत मान के साथ पीक मान का, ऑप्शन सी है औसत मान के साथ आर एम एस मान का और ऑप्शन डी है आर एम एस मान के साथ औसत मान का। तो राइट आंसर जो होगा साथियों आपका ए होगा, आर एम एस मान के साथ पीक मान का अनुपात होता है पीक फैक्टर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है रिलेक्टेंस का मात्रक है। जी हाँ, रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है टेस्ला, ऑप्शन बी है ए टी अपान डब्ल्यू वी, ऑप्शन सी है ए टी अपान एम और ऑप्शन डी है डब्ल्यू वी। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह बी है ए टी अपान डब्ल्यू वी, जो है रिलेक्टेंस का मात्रक है और एनसीबीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर में फेस वोल्टेज होता है। जी हाँ, जो डेल्टा कनेक्टेड जनरेटर होता है उसमें फेस वोल्टेज कितना होता है और यह एनसीबीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है परिणाम के समान, ऑप्शन सी है कुल का एक तिहाई और ऑप्शन डी है कुल का छठवां हिस्सा। तो डेल्टा कनेक्टेड जो जनरेटर होता है फेस में वोल्टेज जो होती है वह कितनी होती है आपको बताना है इन चारों में से ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो राइट आंसर आपका जो होगा साथियों बी होगा, परिणाम में समान होगा। जी हाँ, फेस वोल्टेज जो होगा वह परिणाम में समान होगा और यह एनसीबीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है यह। आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि 11वां क्वेश्चन है। एसी परिपथ में पावर का जो पावर फैक्टर का मान होता है वह किसके बराबर होता है। जी हाँ, एसी परिपथ का पावर फैक्टर बराबर होता है, एनसीबीटी 2016 का आया हुआ यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फेस कोण का 10, ऑप्शन बी है फेस कोण का साइन और ऑप्शन सी है फेस कोण का कोसाइन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एसी परिपथ में पावर फैक्टर का जो बराबर होता है वह कौन सा होता है, बी आपका राइट आंसर है फेस कोण का साइन होता
है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक शुद्ध साइन वेव, जी हाँ एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है। जी हाँ एक शुद्ध साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या है। आपके पास ऑप्शन चार हैं, 1.11, ऑप्शन बी है 1.01 और ऑप्शन सी है 1. और ऑप्शन डी है आपका साथियों 0.11। तो एक शुद्ध साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह कितना होता है साथियों, आपका राइट आंसर है जी एक ए है 1.11। जी हाँ एक शुद्ध साइन वेव का जो फॉर्म फैक्टर है वह 1.11 होता है और यह NCVT 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तीन फेज वाले एसी सप्लाई की विशेषता नहीं है। जी हाँ आपको बताना है किसमें से कौन सा है जो कि तीन फेज वाले एसी सप्लाई की विशेषता नहीं है, NCVT 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है समान फेज लेकिन कोण में अंतर, ऑप्शन बी है समान पीक मान और ऑप्शन सी है समान RMS मान और ऑप्शन डी है समान तत्कालिक मान। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों वह ए होगा, समान फेज और कोण में अंतर। जी हाँ जो तीन फेज सप्लाई की विशेषता है वह ये नहीं है, आपका पहला जो है राइट आंसर है। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके पहले बाद भी ये क्वेश्चन है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कितने क्वेश्चन के आंसर जो है पता थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में AC सिंगल फेज लाइटिंग परिपथ वोल्टेज की मानक कार्यविधि कितनी है। जी हाँ भारत में जो AC सिंगल फेज लाइटिंग का परिपथ होता है उसमें वोल्टेज की जो मानक कार्यविधि होती है वह कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 220 वोल्ट, ऑप्शन बी है 230 वोल्ट, ऑप्शन सी है 240 वोल्ट और ऑप्शन डी है आपका 250 वोल्ट। तो भारत में जो AC सिंगल फेज की लाइटिंग की वोल्टेज मानक की कार्यविधि है वह कितनी है, आपका राइट आंसर होगा साथियों सी 240 वोल्ट। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि आखिरी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है साथियों आप देख रहे हैं NCVT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आवृत्ति के व्युत्क्रम को जाना जाता है। जी हाँ आवृत्ति के जो व्युत्क्रम होता है वह किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका आवर्तकाल को, ऑप्शन बी है आयाम को, ऑप्शन सी है समय नियतांक को और ऑप्शन डी है अनुनाद को। तो आवृत्ति का व्युत्क्रम जो है किसे माना जाता है, आपका राइट आंसर होगा ए आवर्तकाल को। जी हाँ आवृत्ति के व्युत्क्रम हम आवर्तकाल को जानते हैं और यह जो है NCVT 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं साथियों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।